हेलो डियर स्टूडेंट, तो इसके पहले भी मार्जिनल कॉस्ट का वीडियो अपलोडेड है तो और मैं अलग सम्स करा देता राइट। तो अपने को क्या दिया, ये ईयर बेस से हमें राइट, तो सेल्स दिया, प्रॉफिट दिया है और अपने को बहुत सारा चीज़ कैलकुलेट करने बोला है, पाँच छः चीज़ पूछा राइट। तो आने का चांस है तो और स्टार्ट करते हैं। तो सेल्स कितना दिया, 4,05,000। तो ये स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे प्रॉफिट। तो सेल्स कितना दिया है, 4,05,000। तो इधर लिखा 4,00,000, इधर लिखा 5,00,000, ठीक है 4,05,000। और नेक्स्ट क्या दिया, प्रॉफिट 20,000-40,000। तो आ जाओ, प्रॉफिट दिया 20,000 और दिया 40,000 और उन्होंने बोला एक एक चीज़ कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बोला रहे तो नहीं बोला रहे तो पी वी रेशियो निकाल कर रखने का, ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट 80 तो सेल कितना, सेल 7,00,000 का प्रॉफिट कितना, मार्जिन ये नया है इधर, वेरिएबल कॉस्ट टेबल से आ जाएगा, ठीक है चलो आ जाओ, नहीं आवाज आने लोग का। तो सबसे पहले पी वी रेशियो निकाल रहे, तो पी वी रेशियो का दो फॉर्मूला है, तो ये वाले सब में क्या फॉर्मूला आएगा, चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स इन टू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट बोले तो दो ईयर है इसलिए वाला फॉर्मूला आएगा। तो 40 में से 20 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 20 आया, 5,00,000 में से 4,00,000 गया तो कितना है, 1,00,000 आया, इन टू क्या करेंगे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने को 20% आ गया, कितना आया 20%, पी वी रेशियो 20% आ गया ना राइट, ठीक है। फिर एक ऐसा लाइन मार देने का, ये 2005 है, ये 2006 है, वापस से पी वी रेशियो का फॉर्मेट डालेंगे, क्या फॉर्मेट है, कंट्रीब्यूशन सेल 100, क्या है पी वी रेशियो कंट्रीब्यूशन सेल 100, ये तो याद ही करने का ना, अगर सम ईयर वाला नहीं रहेगा तो सम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ना, कंट्रीब्यूशन सेल्स और 100। तो ये क्यों कर रहे हैं अपन, फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए, क्या ढूंढने के लिए कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी वी रेशियो कितना, पी वी रेशियो 20%, तो 20 लिखा, कंट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं है ना अपने पास, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन एस डी सका, सेल्स कितना अपने पास 4,00,000, 2020 कैंसल, आराम से जाता हूँ, ये से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4×8 तो 80,000 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 80,000, तो इधर 80,000 डाल देंगे। सेम 2006 के लिए सॉल्व करेंगे, पी वी रेशियो 20 से कंट्रीब्यूशन नहीं है, 2006 का सेल्स कितना दिया है 5,00,000, इसको सॉल्व करेंगे तो 1,00,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1,00,000 आ जाएगा, इधर क्या लिख दिया 1,00,000, पर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पूछा ही नहीं, फिक्स कॉस्ट चाहिए अपने को, तो फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, 80 में से 20 गया, इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 80 में से 20 गया तो 60,000, 1,00,000 में से 40 गया 60,000, तो फिक्स कॉस्ट और दोस्त कॉस्ट दैट रिमेन सेम, ये सेम है ना, हम लोग जीत गए राइट। अभी मान लो अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना है, इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 4,00,000 में से 80 गया 3,20, 5,00,000 में से 4, ये सेम नहीं आता वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट सेम आता, इसको इसको माइनस कर दिया राइट, इन दोनों को क्या कर दिया माइनस कर दिया है ना, दोनों ब्लैक पेन को माइनस किया तो आ गया राइट। तो अपने को फिक्स कॉस्ट कितना है 60 आया ना, ठीक है। अभी पी वी रेशियो भी आ गया अपने पास, फिक्स कॉस्ट भी आ गया, तो आप लोग का ब्रेक इवन पॉइंट भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। अभी मैं रुपीस में निकाल रहा हूँ, किस में निकाल रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट, अच्छा अभी क्या ढूंढा, फिक्स कॉस्ट और पी वी रेशियो, मतलब जो फॉर्मूला याद किया वही जीत जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट कितना है 60,000 और पी वी रेशियो कितना आपका 20 लिखने का, परसेंट नहीं डालने का, 100 डालने का राइट, तो 3,00,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3,00,000। ये फिक्स कॉस्ट किस में है, रुपीस में है, किस में है, तो कभी हाँ भाई। तो नेक्स्ट क्या बोला है, ये जो पार्ट पढ़ा रहा पूछा नहीं है पर हम लोग वापस से सॉल्व कर रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, अभी ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकाल रहे हैं, रुपीस में निकाला ना, अभी यूनिट्स में निकालेंगे, किस में निकालेंगे, पूछा नहीं है तो भी निकाल देने का। तो इसका फॉर्मेट क्या है, फिक्स कॉस्ट रखने का, जब भी यूनिट्स बोला रहेगा ना तो पी वी रेशियो 100 नहीं आएगा, उसके जगह पे कंट्रीब्यूशन आएगा, क्या आएगा उसके जगह पे, तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया है 60,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, तो अभी अपने को दोनों का निकालना पड़ेगा, तो इसका भी निकालना पड़ेगा और इसका भी। ये कौन सी कंट्रीब्यूशन और यूनिट्स किस में पूछेगा, जब सम दो ईयर वाला नहीं रहेगा, सिंगल डायरेक्टली दिया रहेगा ना पैराग्राफ वाइज, तब ये तुम्हारा फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में आ गया राइट। अब दो क्वेश्चन दिए अपने को इधर, तो बिना क्वेश्चन दे के पी वी रेशियो निकाला, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाला। अब क्या बोला, प्रॉफिट 80,000 है, व्हेन प्रॉफिट इज 80,000 व्हाट विल बी अवर सेल्स, और इधर बोला है सेल्स 7,00,000 है, अगर जब सेल्स 7,00,000 है तो प्रॉफिट कितना रहेगा, तो पहले ये वाला सॉल्व करेंगे राइट। तो फॉर्मूला लिख देंगे, तो इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो यही फॉर्मूला लिख दो, पहला ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ब्रेक इवन सेल होता है राइट, इधर लिखेंगे सेल्स
फिक्स कॉस्ट सेम लिख दिया राइट, ऐसा लाइन मारने का और याद रखने का व्हाट्सएप वाली डीपी डिजायर प्रॉफिट, क्या याद रखने का डिजायर प्रॉफिट। तो सेल्स वी हैव टू फाइंड फिक्स कॉस्ट है ना, इधर 60,000 ये 60,000 का इस्तेमाल इधर किया, डिजायर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है 80,000, पीवी रेशियो ना पीवी रेशियो कितना है 20। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, ये 1,40,000 हो जाएगा इंटू 100 डिवाइड बाई 20, 1 जा 5 जा तो 7,00,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,00,000 आ जाएगा ठीक है। तो तुम्हारा सेल्स कितना हो गया हमारे में 7,00,000, कैल्सियम में सॉल्व करो आंसर आ गया ना एरियल, तो ये पार्ट सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या बोले भाई इधर, सेल्स अगर 7,00,000 है तो प्रॉफिट कितना, व्हेन सेल्स आर 7,00,000 व्हाट विल बी अवर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला सेम लिखना है, फॉर्मूला सेम लिखना है, कैलकुलेशन अलग होएगा, फिक्स कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट है ना। तो अभी अपने को सेल्स के जगह पे 7,00,000 डालना है और ढूंढना क्या है डिजायर प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट तो यही है ना 60,000 है, पीवी रेशियो 20 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7,00,000 इंटू 20, ये इंटू 20 होगा 100 की तरह आ जाएगा नीचे आ जाएगा, कैंसल 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 7 × 2 = 14 7,00,000 तो 1,40,000 हो जाएगा, इसको ऐसे डे इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 40 - 7 = 80, तो प्रॉफिट कितना आ गया 80, मतलब इतना माल बेचेंगे तो इतना कमाई होगी राइट। तो हमने फर्स्ट वाला किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ क्या बोला मार्जिनल सेफ्टी। अभी जब मार्जिनल सेफ्टी का एक फॉर्मूला तुमको याद है, क्या याद है मार्जिनल सेफ्टी का फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। पर अभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा ना यार, क्योंकि मार्जिनल सेफ्टी का और एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट पीवी रेशियो 100, प्रॉफिट पीवी रेशियो 100। अभी ये फॉर्मूला क्यों यूज किया मालूम है क्या, अपने को प्रॉफिट दिया, क्या दिया प्रॉफिट, तो मार्जिनल सेफ्टी ढूंढ रहे हम लोग, तो प्रॉफिट कितना दिया है 50,000, प्रॉफिट कितना दिया क्वेश्चन में देखो 50,000 है ना, और फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट पीवी रेशियो 100, और पीवी रेशियो कितना अपने पास 20 है ना, तो ये फॉर्मूले से भी अपना क्या सॉल्व हो रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये याद करना पड़ेगा, प्रॉफिट पीवी रेशियो 100 ठीक है। हाँ सेल दिया रहता तो वाला फॉर्मूला होता था ना, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, इसको सॉल्व कर देंगे 2,50,000 आएगा, कितना है 2,50,000, ऐसा 15 मार्क तुम्हारा जमा हो जाएगा ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का तुम्हारा सम हो गया, वेरिएबल कॉस्ट बोला था फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 ईयर, ऑलरेडी हमने ढूंढ के निकाल दिया 3,20,000 और 4,00,000, इधर लिख देंगे वेरिएबल कॉस्ट 3,20,000 और 4,00,000 ठीक है। हाँ रुपीस में, ये भी रुपीस में रहेगा, यूनिट्स में बोला तो यूनिट्स में सॉल्व करेंगे। हाँ मार्जिनल सेफ्टी में यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना, हाँ सर ये वाला सम ऐसे सॉल्व करना है ना, ये पैटर्न में सॉल्व करो ना, टीचर को नंबर से मतलब रहेगा ठीक है। 15 मार्क का समय मैक्सिमम 25 मिनट देना चाहिए, 8-9 मिनट में अपना सम सॉल्व होगा।